देखिए वारी रिन्यूएबल मैंने बाइंग किया है, फ्रेश बाइंग नहीं किया है, ऑलरेडी मेरे पास पहले से है। और ये एक्चुअली आज ही मैंने बाइंग किया है और माइनस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी ये वारी रिन्यूएबल यहाँ पे माइनस जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बाइंग चल रही है। और अभी मैंने जो बाइंग किया है उसमें लगभग मेरे को 1100 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको लॉन्ग टर्म के पर्पस से रखूँगा, क्योंकि वारी जो रिन्यूएबल है वो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आप देख सकते हैं लगभग जो रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 966% का रिटर्न है, और वन मंथ में लगभग 32% का रिटर्न है। देखिए ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हाल फिलहाल में ये स्प्लिट हुआ है स्टॉक 1.5 से, मतलब एक शेयर के बदले में आपको एक शेयर के पीछे आपको 5 शेयर मिले हैं, मतलब एक शेयर आपका 5 शेयर हो जाएगा, ऐसा था। देखिए मार्केट के डाउन की वजह से हर एक स्टॉक डाउन चल रहा है, तो हम वेट करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट डाउन चल रही है और हमें उस तरीके से ही मार्केट में निशाना साधना पड़ेगा कि हम किस तरीके से मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। धन्यवाद।